पीएफआई की तरफ से इस पर विरोध हो रहा है, आरोप की झूठे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पुलिस के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं ऐसे सबूत हाथ लगे हैं कि दिख रहा है कि बड़ी साजिश थी और कनेक्शन पीएफआई से ही था। सही, बिल्कुल अर्पिता, और सोशल मीडिया का भी बड़ा हाथ रहा। सोशल मीडिया यानी कि व्हाट्सएप के द्वारा लोगों ने ग्रुप्स बनाए, उस पर लोगों को उकसाया, उसके बाद हिंसा के दौरान फेसबुक लाइव किया। 5 ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं जिन पर पुलिस की गंभीर नजर है। इसके अलावा पुलिस और कोशिश कर रही है कि किस तरह सोशल मीडिया के द्वारा कानपुर हिंसा को भड़काया गया। कानपुर को हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी काफी पहले से थी। पत्थरबाजों को व्हाट्सएप से निर्देश मिल रहे थे, हर तरह के अपडेट्स उसमें पोस्ट किए जा रहे थे, कौन सा बाजार बंद है, कौन सा बंद नहीं है और किसको बंद करवाने के लिए बल प्रयोग किया जाएगा, इसकी सारी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली जा रही थी ताकि जो भी बंद का विरोध करे उसके खिलाफ भीड़ एकजुट हो सके। जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़ा गया, भड़काने की कोशिश की गई, वो तमाम व्हाट्सएप चैट्स कानपुर पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि जो व्हाट्सएप चैट्स हैं ये एमएम जौहर फैन एसोसिएशन के जो संचालक है जफर हयात हाशमी, उसके द्वारा ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे थे। केवल व्हाट्सएप ऐप ही नहीं, कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह की चैट्स मिली है। अब तक 16 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इन सभी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 और आईपीसी की धारा 505 यानी भड़काऊ कंटेंट परोसना जैसी धाराएं लगाई गई हैं। इस तरह के सारे वीडियो फुटेज और इस तरह के जो पोस्ट्स है इनका पूरी समीक्षा करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके आधार पे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। कितने ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है जिनपे एफआईआर भी है? ये टोटल अननोन में कुछ एफआईआर हुई है और पूरे सारी डिटेल्स लेके इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूपी पुलिस कई एंगल से ऑल आउट एक्शन कर रही है। व्हाट्सएप चैट से साजिश की पड़ताल हो रही है, सीसीटीवी फुटेज से दंगाइयों की शिनाख्त हो रही है, पोस्टरों के जरिए आम लोगों से इनपुट लिए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज क्या कहते हैं, पत्थरबाजी कैसे हुई, किस एंगल से हुई, ये तमाम जानकारियां इकट्ठा करने का जिम्मा फॉरेंसिक टीम पर है जिसने जांच का मोर्चा संभाल लिया है। आप देख सकते हैं कि कानपुर जोन की फॉरेंसिक फील्ड यूनिट यहां पहुंची हुई है, वो लोग उस जगह का मुआयना कर रहे हैं, उन सीसीटीवी फुटेजेस को भी देख रहे हैं किस एंगल से लिया गया, कहां से पथराव किया गया। दरअसल फॉरेंसिक की टीम ये तस्वीरों के जरिए, वीडियो फुटेजेस के जरिए ये एस्टैब्लिश करेगी कि जो पथराव हो रहा था वो कहां से हो रहा था और किस एंगल से हो रहा था, कितनी दूरी से हो रहा था। फॉरेंसिक टीम नई सड़क की हर उस गली और रास्ते का मुआयना कर रही है जहां से पथराव किया गया था। यहां तक की तैयारी ये भी है कि टीम उन छतों का पूरा मुआयना करेगी जहां से पत्थर फेंके जा रहे थे। पुलिस उन लोगों को भी तलाश कर रही है जिन पर आरोप है कि उन्होंने जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ तकरीरें की जिससे हालात बिगड़े। संतोष कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कानपुर आज तक।